नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की दो योजनाओं की लॉन्चिंग की है। कहा, आरबीआई वित्तीय मामलों में हमेशा संवाद बनाए रखता है। इन दोनों योजनाओं से देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा। इसके जरिए छोटे से लेकर बड़े निवेशकों को लाभ होने के साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस कॉरिडोर की बैठक में हुए शामिल। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बैठक में की शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर रहे मौजूद। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान की कड़ी निंदा की। कहा, कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। केंद्र को उनसे पद्मश्री वापस लेना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक अल्ताफ की मौत के मामले में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। पीड़ित परिवार ने कहा, पुलिस गुमराह रहने की कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव को भारत का इतिहास ही नहीं मालूम। कोई अंगूठा छाप उन्हें लिख कर दे देता और वो तोते की तरह रट कर बोल देते हैं। सपा ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना। परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है। बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता। कोरोना महामारी को लेकर राहत की खबर। देश में अब वायरस का दूसरा स्वरूप गायब होने लगा। रिपोर्ट के अनुसार देश में 1,15,101 सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग करने में कामयाबी मिल चुकी है। दिल्ली एनसीआर का मौसम लगातार बदल रहा मिजाज। इस कड़ी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान बृहस्पतिवार को ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह के अंत तक पारा और भी लुढ़क सकता है। लखनऊ में जीका वायरस के पहले 2 मामले आए सामने। दोनों मरीज अलग अलग इलाकों के रहने वाले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रात में ही उन क्षेत्रों में जांच शुरू करा दी। मरीज के घर और आसपास के लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराई गई। आगरा देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर, जहां एक्यूआई बढ़कर 437 हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी की गई सूची में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि वृंदावन दूसरा, बुलंदशहर तीसरा और आगरा बागपत चौथे स्थान पर। फटाफट खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।